गाइस अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आपका जो कॉपी डिस्प्ले रहता है उसके इश्यूज़ क्या होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्योर वाइट स्क्रीन है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है और प्योर वाइट स्क्रीन के मैंने वीडियो डाले हैं, वो आप एक बार जस्ट ओपन करके देख सकते हो। तो वो आने के बाद में आपको जब आप डुप्लीकेट कॉम्बो लगाएंगे तो बेसिकली क्या होता है कि जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, जो डुप्लीकेट होता है वो डुप्लीकेट ही होता है। तो एक बार मैं इसको डार्क कर देता हूँ, तो जैसे कि आप ये स्पॉट्स देख सकते हैं, दिस आर द स्पॉट्स जो ऊपर के साइड में है, ऊपर के साइड में आप ये पूरा देख सकते हो, उसके बाद में ये डॉट्स देख सकते हो। तो जो डुप्लीकेट कॉम्बो है वो मेरा सजेशन नहीं है लगाने का, लेकिन आप लगाते हो तो बेसिकली ये इशू, उसके बाद में टच सेंसिटिविटी बहुत ख़राब हो जाती है, वाटरप्रूफ नहीं रहता है आपका फ़ोन, पानी में से जल्दी ख़राब हो जाता है, और जो टच का जो रेशियो है वो हैप्टिक फीडबैक है वो भी स्पीड कम हो जाता है। और 120 हर्ट्ज़ का ये फ़ोन है लेकिन 20 हर्ट्ज़ में भी शायद नहीं चलता है फेक डिस्प्ले डालने के बाद। तो गाइज़ मेरा सजेशन है कभी भी आप फेक डिस्प्ले मत डालो और ओरिजिनल डिस्प्ले डालो, लेकिन काम चलाने के कंडीशन में आप फेक डिस्प्ले डाल के डेटा वेटा निकाल सकते हो, क्योंकि नया डिस्प्ले अगर आप डालने जाओगे तो उतने में तो नया फ़ोन ही आ जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप फेक डिस्प्ले लगा रहे हो तो काम चलाने के लिए लगाओ और इसके बाद डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ही लगाओ, और अगर नया डिस्प्ले लगा रहे हो तो उसमें दूसरे जो अल्टरनेट ऑप्शन रहते हैं उसको भी कंसिडर करो, क्योंकि आजकल जो आईफोन एक्स है वो आपको सेकेंड हैंड 10,000 में भी मिल जाएगा या 12,000 में या 25,000 में, वॉट एवर द अमाउंट इज, लेकिन जो पुराना आईफोन एक्स है उसको आप अगर आईफोन के सर्विस सेंटर में लेके जाओगे तो वो लोग बोले कि 60,000 रुपये का आईफोन एक्स है। तो सिमिलरली आईफोन में भी यही सीन होता है, बट फिलहाल तो मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ। तो सैमसंग में आप ट्राई करो कि डेटा निकाल के दूसरा फ़ोन ले लो, क्योंकि नया लगाने जाओगे तो वैसे भी आपको 7,000 का ओरिजिनल स्क्रीन मिलेगा, और कॉम्बो अगर आप डुप्लीकेट लगाओगे मार्केट से तो ऐसे उसके रिजल्ट से अच्छे से चलेगा नहीं। ध्यान रखना गाइस, डिस्प्ले ख़राब हुआ है तो खर्चा तो करना पड़ेगा।